हर ज़माने में हज़रात अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने हक़ को फैलाने की कोशिश की। और बातिल हर एक के ज़माने में रहा, लेकिन ज़िंदगी भर उन्होंने बातिल का मुकाबला किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो, और दीगर पैगम्बरान निज़ाम हज़रत ज़करिया हैं, हज़रत यहिया हैं, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हैं जी, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं, मुख्तलिफ पैगम्बरान निज़ाम अलैहिमुस्सलाम हर ज़माने में बातिल का मुकाबला करते रहे। नूह अलैहिस्सलाम ने तो बहुत तवील अरसा बातिल का मुकाबला किया, 900 साल, 950 साल तक, मगर हक़ को छोड़ा नहीं, अपने काम में लगे रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुश्मन से मुकाबला किया, बादशाह वक्त से बहस वैसे मुबाहसा किया। कुरान करीम में आया है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुहाज्जा किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस सबब से कि अल्लाह ने उसे मुल्क दिया था जी। बहस करनी पड़ी, बहस की, पूरी कौम की मुखालफत झेल लेनी पड़ी, झेल ली, आग में फेंके जाने की नौबत आई तो तैयार हो गए, हक नहीं छोड़ा। और बाकायदा बुज़ुर्गों ने लिखा, किताबें पढ़ी हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें आपको मिलेगा कि उन्होंने बाकायदा एक मंसूबे के तहत में एक साहिबजादे को मुल्क शाम में और एक साहिबजादे को मुल्क अरब में मक्के में ला के बसाया। उनका एक मंसूबा था, एक प्लान था। हक फैले, एक मरकज कायम हो अम्बिया बनी इसराइल में, ज़्यादा तादाद पैगंबरों की चूँकि हज़रत इसहाक़ की थी, इस वास्ते उस खानवादे को तो मुल्क शाम में रखा। और फिर हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को लाकर मक्कतुल मुकर्रमा में उनको क़ियाम करवाया, इस वास्ते कि अब इनकी नस्ल से जी वो पैगंबर पैदा होने वाले से जो क़ियामत तक के वास्ते जी लोगों के हक़ में रहनुमाई करने वाले थे। एक ख़ास मंसूबे के तहत में किया उस काम को। हमेशा बातिल का डट कर मुकाबला करते रहे, मशक्क़तें झेलते रहे, दुश्वारियाँ आती रहीं। आज हम लोगों को भी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, मशक्क़तें झेल रहे हैं, मगर दीन के लिए कितने लोग मशक्क़तें झेल रहे हैं वो है सवाल। मेहनतें हम लोग कर रहे हैं मगर दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं दीन के लिए कितनी दे रहे हैं, मशक्क़तें झेल रहे हैं तो दीन के लिए कितनी झेल रहे हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं ये सब काम, दीन के लिए कुछ भी नहीं है। द मैसेज मीडिया चैनल, इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के लाइव बयानात, नाते, मुशायरे देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के अहम और कीमती बयानात देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत सारे अहम और कीमती बयानात की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। इस चैनल पर आपको रोजाना नए उनवान पर एक मिनट की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। अभी तक इस चैनल से लाखों लोगों ने दीनी बयानात देखे और देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं
तो अभी द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े, जैसे जोश मोज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। दीन की अहम, कीमती और मुस्तनद मालूमात के लिए आज ही द मैसेज मीडिया से जुड़े। अगर आप अपने किसी जलसे या इज्तिमा की मेयारी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्त करें 8309475649।